गौतम परिवार ने सर्व समाज के 19 जोड़ों का निशुल्क सामूहिक विवाह करवाया। केरल से आए दूल्हे ने रतलाम की युवती के साथ फेरे लिए। सामने सामने आप कृपा करके थोड़ा सा साइड में हो जाए। सभी डालेंगे अपने अपने दुल्हन के गले में माला। और क्या क्या परेशानी आ रही थी? होने वाला था पर है ना वो किसी कारण की वजह से कैंसिल हो गया। तो है ना हमें बहुत परेशानी हो रही थी कि हम क्या करें, कहाँ पर करें। फिर सोशल मीडिया से पता चला कि यहाँ पर विवाह हो रहा है, तो हम गौतम परिवार से कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे आए और विवाह बहुत अच्छे से हुआ, बहुत अच्छा लगा। आप नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, यार नई लाइफ हो रहा है तो अच्छा लग रहा है। नया लाइफ, नया जीवन, विल गोइंग टू बेटर इन माय लाइफ। आपका नाम? राजेश। कहाँ के रहने वाले आप लोग? मैं इंदौर रहता हूँ, मैं नेटिव केरला बट वर्किंग इंदौर। अच्छा, उन्होंने कहा कि आपको जो है NOC लाना पड़ेगी इंदौर से जाकर। तो इसका बालिका जो था जो है वो वोटर आईडी नहीं था, तो वहाँ उन्होंने कहा कि आप वोटर आईडी ले आइए और 50 रुपये का एग्जाम पेपर का आप लिख के दे दीजिए, तो हम आपको जो है परमिशन दे देंगे, तो आपकी शादी नहीं देंगे। पर वो क्या कि हो ही नहीं पाया, उन्होंने चक्कर ही देते रहे वो हम लोगों को। फिर यहाँ का मालूम पड़ा हमको, तो हमारा संपर्क उनसे खड़े थे ना भैया, क्या नाम देवपाल, देवपाल सिंह, देवपाल उनसे हमारी बात हुई थी परसों 6 बजे। तो उन्होंने कहा कि आपके पास अगर है आप है कि बोले अगर आपके पास बायोडाटा है तो आप भेज दीजिए। तो किस्मत से मैंने इन दोनों को रतलाम बुलाया था, 6 बजे से ये भी आ गए, तो फिर इन्हीं के मोबाइल से आपको बायोडाटा भेजा। फिर आपको 8 बजे आप संतुष्ट हो शादी से? बिल्कुल संतुष्ट है साहब। अब आपको कैसा लग रहा है? अब आपको कैसा लग रहा है साहब? बच्चे का विवाह हो गया, इससे बढ़ के और क्या हो सकता है? क्या आपका नाम? आनंदी लाल पवार। नाना जी है, नाना जी है। हमारी दोनों बहनें जो है जिनको हल्दी लग चुकी थी उसके बाद ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विवाह निरस्त कर दिया था। वो तो भला हो गौतम सेठ का जिन्होंने हमारे बहनों की शादी करवाई, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं।